कान के झुमके, ये नेकलेस भी मैं देख पा रहा हूँ मेरे राइट साइड में, आप देखेंगे बैंगल्स रखे हुए हैं। बड़ा फुहारा की जगह इसका नाम रखना चाहिए, लेडीज बड़ा फुहारा। ये ऑटो वाले यहाँ ज़्यादा जैम लगा देते हैं ना। बड़ा फुहारा के लिए सीधे, आधारताल के लिए लेफ्ट, रानीताल के लिए राइट, हम लोग जाएंगे सीधे बड़ा फुहारा। हालांकि मुझे जाना चाहिए लेफ्ट आधारताल के लिए, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझको वीडियो बनाना है, आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखानी है। घर पड़ेगा आधारताल साइड, लेकिन यहाँ से जाएंगे निवारगंज आगे, बड़ा फुहारा आगे, कमानिया गेट आगे। देखिए शुरुआत होगा ये वीडियो की, मैं अभी अभी उखरी से आ रहा हूँ, यहाँ पे अनाज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अनाज ही अनाज यहाँ पे मिलते हैं। शंकर बीज भंडार, दुर्गा कृषि केंद्र, बहुत सारे यहाँ बीज ही बीज की दुकानें हैं। और अब देखिएगा आप भीड़ बड़ा फुहारा में। गुड आफ्टरनून आप सभी को, समय अभी हो रहा है 12:59, 1 बज गए हैं। ये जो आप मेरे हाथ में सफ़ेदी की चमकान देख रहे हैं, ये मैंने पहना हूँ धूप से बचने के लिए, लेकिन इसमें प्रियंका का कहना है कि धूप से ये नहीं बचा पाएगा, तो मुझको ज़रा आपकी राय जानना है इसमें, कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये मुझे धूप से बचा पाएगा कि नहीं। देखिए आसपास बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ, गेहूँ चावल दाल की, शक्कर राशन गुड़ चावल, देख रहे हैं बहुत सारी चावल की दुकानें, अंदर भी अलग अलग वैरायटी के आपको मिल जाएंगे मेरे दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। तेल के बॉक्सेस भी हैं, नारियल वाला भी है, हरी मिर्च लाल मिर्च और मिर्च मसाले की दुकानें भी हैं। भगवान के लिए जो आपको सामान लेना है तो यहाँ से सस्ता सामान मिलता है, पूजन सामग्री। ये मेरे राइट साइड में शॉप है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं, झाड़ू प्लास्टिक के बर्तन हर चीज़ें अवेलेबल है। दवाइयाँ देखिए, दवाइयों की शॉप भी है, ड्राई फ्रूट कॉर्नर भी, अरे वाह, शायद यहाँ से ड्राई फ्रूट थोड़ा सस्ता मिलेगा। और जो बाई लोग लगाए हैं ऐसे किनारे किनारे, ये लोग भी हैं, ये लोग थोड़ा सस्ता दे देते हैं, अगर जैसे मोल भाव करने में ये लोग सस्ता देते हैं और ठेले वाले महंगा देते हैं। अगर आपको पूजा की सामग्री लेना है तो ये वाली शॉप सही है, मेरे राइट में जो यहाँ पे है, ये वाली शॉप सही है, यहाँ पे सस्ता रेट देते हैं ये लोग। और बाकी साड़ियों की गढ़वाल शॉप काफ़ी फेमस जबलपुर में, और दूसरी तरफ जाएंगे तो सूरत साड़ी वाला भी है। सूरत वाला मुझको खुद पसंद आता है पर्सनली, मैं मम्मी को कई बार लेके आया भी हूँ। बढ़िया, आओ अपना दाम बताओ कि इस दाम की साड़ी चाहिए, और बहुत बड़ी दुकान है उसकी यार, जितना आप रेट बोलेंगे उतने रेट की साड़ी उसके यहाँ मिल जाएगी आराम से, और मन भर के देख के जाओ, जो लेना है आराम से बैठ के देख के लेके जाओ। भीड़ तो उतनी ज़्यादा है नहीं, थोड़ी सी कम ही भीड़ है यहाँ पे, हो सकता है ये टाइम ऐसा हो कि भीड़ ना हो, नहीं तो इस रोड में तो भीड़ रहती ही रहती है। अब यहाँ आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ अगरबत्ती ले ही चला जाए भगवान जी के लिए। हाँ, इतनी पतली पतली रोड हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, और तो और यहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं कई शॉप वाले, अपनी शॉप आगे बढ़ा लेते हैं, तो इसलिए समस्या बढ़ जाती है। अरे यार ऐसे चलते हैं कई लोग ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, जब चल रहे हो तो किनारे किनारे चलना चाहिए, सीना तान के चलेंगे एकदम। गाड़ी वाले को परेशानी होती है ना, फिर ठोक दो तो बोलेंगे अरे ठोक दिए भैया ठोक दिए, देख के नहीं चलाते हो, खुद को नहीं देखेगा इंसान, दिमाग ख़राब करते हैं। जस्ट चिल ढूंढ बेटा। ये गलियाँ बहुत सकरी सकरी हैं, और इस गली में देखिए अगर ऑटो घुस जाता है ना तो परेशानी बहुत बढ़ जाती है। कुरकुरे के बॉक्सेस, लेकिन बहुत ही ज्यादा शांति है, इतनी ज्यादा शांति होनी तो नहीं चाहिए। यहीं पे साइड में लगा दिया जाए गाड़ी, और उसके बाद ले लिया जाए सामान। धूप अगरबत्ती दिखाइए ना अंकल जी। हाँ जी, चलिए हो गया ये काम, अब इसको जलाएंगे श्री राम जी के आगे और खुशबू फैलाएंगे। पूजा करो और खुशबू ना आए तो मज़ा नहीं आता, भगवान जी बोलेंगे अगरबत्ती जला दिए, हमको तो पता ही नहीं चला। थोड़ा सा हवा तो लगना चाहिए ना कि भाई अगरबत्ती जल रही है, भगवान को एहसास होना चाहिए कि कोई आया है अगरबत्ती जला के गया है ना, तो उसलिए लिया गया। अरे यार देखिए भीड़ यार,
यही जैम नहीं चाहिए रहता है। एक काम करते हैं, यहाँ से मुड़ जाते हैं, बहुत लंबा जैम है यहाँ पे। अरे यार कुछ ज़्यादा ही लंबा जैम है। दूसरी तरफ जिस तरफ से आए थे उसी तरफ से चलते हैं। ये ऑटो वाले यहाँ ज़्यादा जैम लगा देते हैं ना। नहीं तो एक तो इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, इसमें ऑटो डालोगे तो और क्या होगा। यहाँ पे एक ही चीज़ की ना बहुत सारी दुकान है, जैसे अगरबत्ती की दुकान तो बहुत सारी दुकान है, किराने की दुकान तो भी बहुत सारी दुकान है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो वो भी बहुत सारी हैं। तो आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि आप कर सकते हैं ख़रीदारी। अरे यार मुझको राइट ही जाना था, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से ही आए थे, मैं सोचा था कि राइट चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो वहीं मुड़ गया। चलिए दूसरी जगह चलते हैं, यहीं से हम आए थे। अरे यार उस गली में चलो, अब कुछ नहीं कर सकते यार, उस गली में भी यही हाल था, इस गली में भी यही हाल है। खैर यहाँ थोड़ा सा कम है कि यहाँ पर कम से कम रुक नहीं रहे हैं, यहाँ पे चलते जा रहे हैं। नाम तो है जगह का बड़ा, लेकिन ये जगह उतनी बड़ी है नहीं। जब भी आएंगे तभी भी भीड़, और बहुत भीड़ मिलेगी, जाम ही जाम, जाम ही जाम। अगर बड़ा होता तो फिर इतना जाम क्यों होता, जाम नहीं होना चाहिए ना, लेकिन जाम हो जाता है। काफ़ी अच्छा मार्केट है ये, लोग कपड़े लेने ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, कि कपड़े सस्ते से सस्ते मिल जाते हैं। अब देखिए जितना दाम देंगे उसी हिसाब से कपड़ा मिलेगा। अच्छे अच्छे शोरूम भी हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आप आके बड़ी दुकानों में जा सकते हैं, लेकिन मुझको लगता है बड़ा फुहारा इसलिए फेमस है कि लोग छोटी छोटी शॉप्स में आते हैं और सस्ते में सामान लेके चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा खर्च करके क्या मतलब। जब हमको कम दाम में कोई भी चीज़ मिल रही है तो कम दाम में लो और चले जाओ। आप कपड़ों की दुकान देखिए, यहाँ पर लाइन से है कपड़ों की दुकान, और यहाँ पर लड़कियों के लिए भी बहुत सारे सामान मिलते हैं, वो लोग के जूते, अब जो भी वो लोग का श्रृंगार का सामान रहता है वो सब, कान के झुमके, सैंडल, अब बराबर मिलता है। देखिए नेकलेस भी मैं देख पा रहा हूँ मेरे राइट साइड में, आप देखेंगे बैंगल्स रखे हुए हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। शंकर जी देखिए मार्बल में बनाए हुए हैं, श्री माँ आर्ट एम्पोरियम, अच्छा अच्छा मंदिर है मार्बल का, रेट भी अच्छा अच्छा होगा। अभी भी शॉप्स ख़त्म नहीं हुई हैं लेडीज़ों के लिए। बड़ा फुहारा की जगह इसका नाम रखना चाहिए लेडीज़ फुहारा, लेडीज़ बड़ा फुहारा। और मैं जिस दुकान की बात कर रहा था सूरत साड़ी वाला, वो यहाँ से जाने पे आपको मिलेगा, अच्छी दुकान है। और ये रूपाली शोरूम मेरे लेफ्ट साइड में था। चलिए आधार ताल के लिए आगे से जाके राइट, ये देखिए जो बीच की दुकान है यही सारी हैं दुकान, दुर्गा कृषि केंद्र, कीटनाशक दवाइयाँ, खाद, बीज, घरेलू कीटनाशक, स्प्रे पंप, पूरा यहाँ पे यही सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं, मैं भूल भी गया था एक्चुअली, अब बात करते हैं इस दस्ताने की, ग्लव्स की, या और भी जो कुछ नाम होगा इसका। तो ये मैंने लिया था अभी दो दिन पहले, इसको मैंने लिया हूँ, और मेरा इसका लेने का पर्पस ये है कि इससे मुझको धूप से बचना है। तो मेरे हिसाब से मुझको लगता है कि ये धूप से बचा देगा, लेकिन मैंने प्रियंका से पूछा तो प्रियंका बोलती है कि नहीं, ये धूप से बचा नहीं पाएगा। तो इसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या आपको क्या लगता है, ये धूप से बचा पाएगा कि नहीं। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ अपने नुकसान भी हैं, तो मैं आपको वो दोनों चीज़ बता दूँ। ये मैंने ख़रीदा हूँ 15 रुपये में, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो, 15 रुपये में ख़रीदा हूँ, और इसको पहनने में ना ग्रिप बहुत अच्छी मिल रही है, और थोड़ा सा तो ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है, ये रबर का है तो धूप डायरेक्ट मेरे स्किन पे नहीं लग रही है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है। और इसको पहनने में ये भी है कि हम मोबाइल भी अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, फिंगर लॉक नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि ये लगा हुआ है ऊपर से, बाकी मोबाइल का पूरा काम कर ले रहा हूँ, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठ जा रहा है, बात हो जा रही है, नंबर डायल हो जा रहे हैं, बाकी सब काम कर लेंगे, लेकिन सिर्फ फिंगर लॉक नहीं खोल पा रहा, तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन कपड़ा वाला पहनने में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कपड़े वाले में फिर वो मोबाइल टच नहीं हो पाएगा, बार बार निकालना पड़ेगा, तो ये उसका एक नुकसान है, तो इसलिए मैंने ये पहना हूँ। प्रियंका बोल रही थी कपड़े वाला पहन लो, कपड़े वाले से तुम धूप से बच पाओगे।
लेकिन कपड़े वाले के कुछ नुकसान भी हैं, तो मुझको ये चीज़ अच्छी लगी। इसका एक नुकसान अगर मैं आपको बताऊं तो अब ये नुकसान हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो है। मेरे हाथ में क्या है, थोड़े बहुत बाल हैं, तो इसको पहनते समय ना बाल बहुत खींच रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत दर्द देता है। अगर संभाल के पहनूँ फिर भी थोड़ा बहुत बाल खींच ही रहा है, तो बस इसका ये मुझको सबसे ज़्यादा नुकसान लग रहा है। लेकिन क्या यार, एक मिनट पहनने में लग रहा है, बस एक मिनट थोड़ा सा दर्द सह लो, उसके बाद तो पहनने के बाद सही है। तो सिर्फ नुकसान मुझको यही लगा कि अगर आप इसको पहनेंगे और आपके हाथ में अगर बाल हैं तो बाल थोड़े बहुत खींच रहे हैं, बहुत तेज़ खींचते हैं यार, दर्द देने लगता है बाल।